हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुरेश जोशी क्लासेस में। और मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आज एक साइंस की वीडियो लेकर आएंगे और उस टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड केमिकल्स, हिंदी में बोलते हैं औषधि और रसायन। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होता है रेड कलर का, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे हम रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, या कोई भी अपकमिंग जो अभी क्या होने वाले हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, क्योंकि साइंस का लेवल थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई, यानी अब थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। टॉपिक है ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला भी इसमें आज ड्रग्स एंड केमिकल्स में काफ़ी हाईलाइट में चल रहा है आजकल, कोविड-19 सबको पता है, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हाईलाइट में चल रहा है, HCQ क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन। सबको पता होगा हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन। ये जो HCQ है ये क्यों हाईलाइट में चल रहा है, जो ये कोविड-19 है भाई, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये पूरे विश्व में इसने क्या कर रहा है भाई, एक तरीके से आतंक मचा लिया इसने। तो इस वायरस का कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्या मानी जा रही है, दवाई मानी जा रही है, सीधे भाषा में ये समझ लीजिए, क्लियर है। अब क्यों मानी जा रही है, देखो रीजन क्या है, अभी अभी हाईलाइट में है तो, और हम टॉपिक भी ड्रग्स एंड केमिकल्स कर रहे हैं तो मैंने इसको ऐड कर लिया है इसमें। देखो एक्चुअल में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन होती है ये कौन सी बीमारी की दवा होती है, मैं नीचे लिख देता हूँ, मलेरिया। कभी पूछ ले कि कौन सी बीमारी की दवा होती है, मलेरिया बीमारी की दवा होती है, मैंने ऊपर लिखा भी है एंटी मलेरिया ड्रग। कभी पूछ ले कि HCQ जो होती है ये कौन सी दवा होती है, एंटी मलेरिया ड्रग। और इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, C18H26 CIN3O। देखो भाई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल वही कराएंगे आपको फॉर्मूले, क्योंकि आज के टाइम पर इनके रासायनिक सूत्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, C18H26 CIN3O, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसका जो मोलर मास है, मोलर मास को हिंदी में कहते हैं मोल द्रव्यमान, वो कितना होता है, लगभग 335 ग्राम प्रति मोल। भाई एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, 335, पॉइंट में भी है 0.872, लेकिन अप्रोक्स याद कर लीजिए 335 ग्राम प्रति मोल। और एक ये भी याद कर लेना कि कौन सी उस बीमारी में, देखिए जैसे एक तो एक इसमें काम आती है मलेरिया में, और एक बीमारी होती है रिमेटोइड एरिथ्रिस, सुना है भाई, एक क्या होता है एरिथ्रिस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संधि शोथ, एरिथ्रिस का मतलब जो गठिया वगैरह जोड़ों में जो दर्द होता है, उस बीमारी में भी कहीं ना कहीं क्या आती है, काम आती है दवा HCQ, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, एक मलेरिया में काम आती है और एक जो एक संधि शोथ क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जोड़ों में सूजन के कारण क्या आने लगता है भाई, पेन होने लगता है, तो उस पेन के लिए भी कहीं ना कहीं ये क्या करती है, उस पेन को कम करने में, उस सूजन को कम करने में दवा क्या करती है, मदद। तो कभी पूछ ले कौन सा एरिथ्रिस है, तो एरिथ्रिस कौन सा है, रूमेटॉइड, इसे हिंदी में कहते हैं संधि शोथ, ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ पर एक बात कर लेगा, जो ये HCQ दवाई है ये क्यों अभी हाईलाइट में है, सबको पता है कि जो कोविड-19 है, कोरोना, इसने पूरे विश्व में लगभग हर देश में पहुँच चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर अभी सबको, जैसे अभी इस पर जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि जो मलेरिया होती है, मलेरिया बीमारी, कहीं ना कहीं उस बीमारी में जो HCQ दवाई दी जा रही है वो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, रिलीफ का काम कर रही थी, रिलीफ का। तो इसके कारण अभी USA ने भारत से क्या कहा था, आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि हमें कुछ क्या दे दीजिए, HCQ मेडिसिन दे दीजिए। क्यों, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है HCQ दवाई का, और बीच में इसके कारण अभी भारत ने इस पर बैन भी लगा दिया था एक्सपोर्ट पर, शायद अभी फिर से इसे ओपन कर दिया है कि भाई ठीक है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोरोना के भाई पीड़ित हैं उन देशों को भारत क्या करेगा, HCQ दवाई देगा। अभी शायद इस पर बहस चल रही है, शायद ये क्लियर हो चुका है वैसे, ठीक है, कि भारत वो देश जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहे हैं, जैसे आपको पता होगा स्पेन, USA, जर्मनी, इटली, जो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुके हैं
इससे ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं इस बीमारी से, ठीक है। तो आप पूरा याद कर लेना कि कौन सी बीमारी में काम आता है SCQ। अब यदि मलेरिया की बात करोगे, मलेरिया की, तो जो मलेरिया की दवाई होती है वो होती है क्लोरोक्विन, ध्यान से सुनना, कुनेन, एट्रेवीन और थीटर। फिर से बता रहा हूँ, क्लोरोक्विन, कुनेन, एट्रेवीन और थीटर, ये भी क्या है, मलेरिया की क्या होती है, अन्य दवाएं होती हैं। और एक बढ़िया क्वेश्चन अभी ये पूछ लेगा कि HCQ में ऐसा क्या मिलाया जाए कि ये COVID-19 के लिए कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपने यदि उनका ट्वीट भी देखा हो, क्या मिलाने पर, एजी थ्रोमाइसिन। कभी पूछ ले कि HCQ और एजी थ्रोमाइसिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से COVID-19 के लिए क्या करते हैं, एक इस बीमारी से लड़ने में क्या है ये कहीं ना कहीं सक्षम है। भाई पूर्ण रूप से तो सबको पता है कि अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि जो HCQ होती है, एक्चुअल में ये इसका केमिकल नेम है। आप सबको पता है कि मार्केट में केमिकल नेम से नहीं आते हैं, ट्रेड नेम से बेची जाती हैं दवाइयाँ ज़्यादातर। तो जो इसका ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम, हिंदी में कहते हैं व्यापारिक नाम, तो इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, प्ले क्विनिल। ये जरूर याद कर लेना सभी लोग कि इसका व्यापारिक नाम क्या है, प्ले क्विनिल, किसका, HCQ का। और फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, और ये भी पूछ सकता है इस बार, क्योंकि भाई हाईलाइट में है, कि इसका जो उपापचयन होता है, उपापचयन समझते हो, मेटाबॉलिज्म, हम कोई चीज़ क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसको एक तरीके से क्या करता है, भाई पचाना पड़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म इसका जो होता है वो मेन किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा बाहर निकलती है, किडनी के द्वारा। बच्चों याद कर लेना कि ये किडनी के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है एक्सेस, और लीवर के द्वारा HCQ का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, हिंदी में कहते हैं उपापचयन, ठीक है। बाकी जो मलेरिया की बीमारी है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि मलेरिया में जैसे सबको पता है कि कुनेन जो दवाई होती है, जैसे बच्चे एक बार एक क्वेश्चन भी आ चुका था कि कुनेन दवा किससे मिलती है, ठीक है। अब देखिए, ये सबको पता है कि कॉमनली आप सब बता भी दोगे, सबके माइंड में खुद ही आ चुका होगा, क्योंकि जैसे ही कुनेन सुनते हैं तो सिनकोना के पेड़ क्या आते हैं, खुद ही माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। सुना होगा साउथ अमेरिका में जो एंडीज पर्वत श्रेणी है उधर भी काफ़ी पाए जाते हैं सिनकोना के पेड़, ठीक है। तो जो कुनेन की दवाई होती है सिनकोना के पेड़ के किससे बनती है, छाल से बनती है, ठीक है। मलेरिया सबको पता है एक बीमारी, भाई फीवर है, तो उसके छाल से क्या बनती है, दवाई बनती है। लेकिन ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि इसकी छाल को आप पीस कर सीधे किसी मरीज को दे दोगे तो ये एक तरीके से फीवर का काम करेगी, ये इसको उतारेगी नहीं मलेरिया को, तो इसको डायरेक्ट नहीं देते हैं, ये भी याद कर लेना। अब बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये तो सबको पता है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या पूछ लेगा कि जो इसकी छाल से दवाई कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना वीडियो में। छाल, ठीक है भाई, आपने क्या किया, सिनकोना के पेड़ की जो छाल है उसको यूज किया, प्लस बुझा चूना, इंग्लिश में कहते हैं स्लेक, यानी बुझा हुआ चूना। इसका फॉर्मूला सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, केमिकल हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें जो कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक सोडा का जलीय विलयन, इंग्लिश में कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, कैसे बनती है ये दवाई कुनेन, फिर से सुन लेना, इसकी छाल किसकी, सिनकोना के पेड़ की, बुझा हुआ चूना, फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइज, और कास्टिक सोडा का जो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है, कमेंट में लिखिए आप कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या होता है, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। तो ये याद कर लेना इसमें, भाई HCQ क्या है। जैसे ये भी पूछ सकता है कि यदि किसी, जैसे अभी आपने सुना होगा, एक वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज है भाई सामान्य के लिए, कि जो HCQ होता है ये नॉर्मली कई लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको अभी ऐसे ही खा लेंगे, यदि भाई HCQ साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। तो कोई भी जिसको भाई बीमारी है वो अलग चीज़ है, ऐसे ही कई लोग सोच रहे हैं कि हम इसको पहले ही खा लेंगे तो हमें क्या होगा, भाई कोरोना नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्ट खाने से कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कान बजना, मूड में बदलाव, भाई वैसे ही सब घर में हैं और मूड और ज़्यादा भाई
स्विंग हो सकता है, मूड में बदलाव आ सकता है और सिर दर्द वगैरह, हेडेक वगैरह, काफ़ी बीमारियां मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो सारा याद कर लेना, और बच्चों कभी ये पूछ ले कि SCQ कब देते हैं, तो नोट कर लेना यहाँ पर, जब क्लोरोक्वीन एक दवाई होती है, ये भी मलेरिया की है, लिखा आया था देखो आपको, क्लोरोक्वीन जब ये वाली दवाई काम नहीं करती है मलेरिया बीमारी में, तब कौन सी दवाई देते हैं, HCQ। कब, जब क्लोरोक्वीन काम नहीं करेगी, तो इसके बाद कौन सी दवाई देते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो आपको सारा समझ में आ गया होगा ये कि भाई HCQ क्या है और किस बीमारी में इसका यूज किया जाता है, मेन मलेरिया, और आएगा कि ये और कौन सी बीमारी में भी इसका यूज हो रहा है, तो कौन सा है, COVID-19, ठीक है, यानी कोरोना वायरस। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से सुनना। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, मलावी सबने सुना होगा, एक देश है अफ्रीका का मलावी, ठीक है। तो कभी पूछ ले कि किस देश ने मलेरिया की वैक्सीनेशन तैयार कर लिया, पहला देश जिसने लॉन्च किया था वो अफ्रीका का देश है मलावी, ठीक है, अफ्रीका का देश मलावी, ठीक है। अब अगला टॉपिक याद करते हैं, देखिए अगला पढ़ते हैं हम ड्रग्स एंड केमिकल्स में, वो तो आपको HCQ बता दिया था मैंने। एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक सबको पता है क्या होते हैं, निश्चेतक, आप लिखते जाना, अपने नोट्स बना लीजिए, बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे, देख लीजिए एक बार, ठीक है। एनेस्थेटिक क्या होता है, निश्चेतक। अब निश्चेतक सबको पता है, जो कहीं ना कहीं क्या ले आए शरीर में, मूर्छा ले आए, उसे क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए कि सबसे पहले एनेस्थेटिक का उपयोग किसने किया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विलियम मॉर्टन, ध्यान से सुनना, विलियम मॉर्टन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, एनेस्थेटिक का क्या किया था, यूज किया था, और उस निश्चेतक का नाम क्या था, डाई इथाइल ईथर। ये हम पहली ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एनेस्थेटिक, निश्चेतक, ये भी एक ड्रग्स है, टॉपिक का नाम ही क्या है, ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो डाई इथाइल ईथर ये सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है, निश्चेतक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कभी पूछ ले कि पहला निश्चेतक विश्व में कौन सा प्रयोग किया गया है, तो डाई इथाइल ईथर, और प्रयोग किसने किया था, विलियम मॉर्टन, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़िया क्या बनेगा कि जेम्स सिम्पसन, देखिए जो जेम्स सिम्पसन है, इन्होंने बाद में एक दूसरे निश्चेतक का प्रयोग किया जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये सब ने सुना होगा, बेसिकली क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए, CHCl3। सबको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो कभी पूछ ले, अब देखिए जैसे ना नॉर्मली मैं आपसे कहूँ ये क्लोरोफॉर्म इसका कैसा नाम होगा, व्यापारिक, भाई कॉमन सेंस है। आप कभी नमक लेने जाओगे तो कभी दुकानदार से ये नहीं कहोगे हमें NaCl दे, सोडियम क्लोराइड दे, आप तो उसका क्या पढ़ोगे, ट्रेड नाम कहते हैं ना, अब ये थोड़ा ना है कि केमिकल नेम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यापारिक नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, यानी इसका साइंस में एक्चुअल में कोई दूसरा नाम होगा। अब CHCl3, अब Cl कितने हैं, 3, यानी ट्राई क्लोरो, लिख लेना आप इसका, ट्राई क्लोरो CH यानी मीथेन, तो ट्राई क्लोरोमीथेन इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। कभी पूछ ले बच्चों कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन, और फॉर्मूला क्या है, CHCl3, ठीक है। जैसे देखिए आपको ना नॉलेज थोड़ा इसमें हम डीप लेवल की देंगे, अब ये नहीं है कि इसको यहीं पर छोड़ दिया, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको भाई हम ये शो कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक बढ़िया क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरोफॉर्म सबसे पहले किसने बनाया था, देखिए यदि ऑप्शन में गुथरी होगा, गुथरी, तो इनका नाम सबसे पहले आता है, वैसे गुथरी, वैसे ज़्यादातर बुक्स में आपको क्या मिलेगा, सोबेरन और लिबिक, सोबेरन और लिबिक, इन दोनों का नाम ज़्यादातर आपको बुक्स में मिलेगा, लेकिन वैसे सबसे पहले गुथरी, ये ऑप्शन में ना हो तो सोबेरन और लिबिक को श्रेय जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने का, लेकिन इन्होंने इसको निश्चेतक नहीं कहा, इन्होंने इसको निश्चेतक नहीं कहा था, ये जो निश्चेतक कहा था किसको, क्लोरोफॉर्म को, ये किसने कहा था, सिम्पसन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है
कि क्लोरोफॉर्म का भाई इसको जो एनेस्थेटिक बताया था वो किसने बताया था, जेम्स सिम्पसन ने। इन्होंने कहा था ये क्या होता है, निश्चेतक होता है और बनाने का श्रेय पहला ऑप्शन गुथरी, ये ना हो तो सोबेरन और लिबिक। लिबिक आपको काफ़ी बुक्स में नॉर्मली मिल जाएगा, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, आपने सुना भी होगा, क्या क्लोरोफॉर्म को हम एक आर पार जो बोतल होती है कांच जो दिख जाता है, मतलब जिससे लाइट क्या हो जाए आर पार हो जाए, क्या उसमें रखते हैं, बताइए। बिल्कुल भाई कभी नहीं रखेंगे आप। जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को कभी पूछ ले किस में रखा जाता है, जो रंगीन बोतलें होती हैं इसमें रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को, ध्यान से सुनना, कभी पूछ ले कि क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है ये भी रीजन पता होना चाहिए। देखो जो ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, यदि आप इसको एक नॉर्मल क्या कर दो, एक नॉर्मली बोतल में रख दो, ठीक है, और इसको अंधेरे में भी रखा जाता है, ये भी ध्यान से सुन लेना, डार्क बोतल होती है और अंधेरे में भी रखते हैं। देखो रीजन क्या है, यदि इसको आप एक नॉर्मली भाई जो रंगीन बोतल नहीं है उसमें रख रहे हो और सूर्य के प्रकाश में रख रहे हो, तो क्लोरोफॉर्म की क्या खासियत होती है, ये ऑक्सीजन ले लेगा भाई, यदि इसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन, और क्या मिल गया, सूर्य का प्रकाश, बाय एयर इसको ऑक्सीजन मिल गई और सनलाइट, यदि दो चीज़ें मिल जाएगी तो ये क्या बना देता है, विषैली गैस। अब देखो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए कि क्लोरोफॉर्म क्यों नहीं रखा जाता है सामान्य बोतलों में, अंधेरे में क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश से रिएक्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देता है, टॉक्सिक क्या बना देता है, गैस, और उस गैस का नाम होता है फॉस्जीन। काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि फॉस्जीन गैस कौन बनाती है, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देती है, फॉस्जीन, और फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। इसका वैसे नाम क्या हो जाएगा केमिकल, ये तो फॉर्मूला है कार्बोनिल डाइक्लोराइड, आप लिख लेना कार्बोनिल डाइक्लोराइड। कार्बोनिल डाइक्लोराइड क्या होता है, फॉस्जीन का क्या होता है, दूसरा नाम होता है, यानी, और वैसे फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि बताइए क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो जो ये क्लोरोफॉर्म है कैसे बनता है, जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल, ठीक है, ये किससे रिएक्ट करता है, ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन, यानी क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, ध्यान से सुनना, इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इसके कुछ बता देते हैं आपको, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं कि इनमें से कौन निश्चेतक नहीं है, आपको तीन ये दे देगा और एक क्या दे देगा, कोई एंटीसेप्टिक दे देगा, सपोज उसने क्या दे दिया यहाँ पर, एक फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड जिसको पता है ये एक एंटीसेप्टिक होती है, उसने यहाँ पर क्या दे दिया, आयोडोफॉर्म दे दिया, या क्या दे दिया, जैसे नॉर्मली सबको पता है पैरासीटामोल क्या एनेस्थेटिक है, नहीं वो तो क्या है, एक एंटीपायरेटिक, भाई जो पैरासीटामोल होती है वो क्या करती है, बुखार उतारने में मदद करती है ना, तो यानी आपसे क्या कहेगा, चार दे देगा और कहेगा बताओ इनमें से कौन निश्चेतक नहीं है, या पूछ लेगा इनमें से कौन निश्चेतक है, तो बता देता हूँ आपको, या आप लिख लेना अपनी कॉपी में, पहला सल्फोनल, दूसरा वर्नोल, तीसरा क्लोरोप्रोपेन, चौथा कोकीन, पांचवा डाइपिजाम, छठा पेंटाथल सोडियम, सातवा हेलोथेन और आठवा नाइट्रस ऑक्साइड। और डाइइथाइल ईथर और क्लोरोफॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, और नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला सबको आपको पता ही है, N2O, जिसे क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। एक्चुअल में इसका यूज भी सर्जरी में करते हैं भाई, एनेस्थेटिक का यूज यही तो होता है भाई, चीरा फाड़ी वगैरह में। देखो करते कैसे हैं, जो हंसाने वाली गैस होती है, ऐसा नहीं है कि सीधे नाइट्रस ऑक्साइड सुंघा दो वो तो हंसने लगेगा, तो इसमें क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कभी ऐसा पूछ ले कि नाइट्रस ऑक्साइड किस तरीके से क्या करता है, एक एनेस्थेटिक का काम करता है, तो इसमें क्या मिला दो, ऑक्सीजन, तो ये किसका काम करता है, एनेस्थेटिक का, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ, और अगले जो अभी इसमें बचे हैं, ये तो क्या था, एनेस्थेटिक था, इसके बाद एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक वगैरह, वो भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको
शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, अदरवाइज कर लीजिए। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अम्लता कम करने के लिए उपयोग में हम एल्यूजल टैबलेट का यूज करते हैं, एल्यूजल, ये एल है, एल्यूजल टैबलेट का प्रयोग करते हैं, बताइए किस चीज़ से बनी होती है। उस कंपाउंड का नाम बताना है जो एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी सबको पता है, जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा, तो जब एसिडिटी बनती है तो एक गोली आती है एल्यूजल टैबलेट। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, किस कंपाउंड से ये बनाई जाती है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।